हेलो जी, राम राम जी। आप सबका स्वागत है सावित्री जी की रसोई में। और मैं हूँ निशा चौहान। और जी, घर की कुछ है हालत ऐसी, ये देखिए सब फैला हुआ है, सब फैला हुआ है जी। ये देखिए जी, ये भैया मेरे लिए, ये सब फैला हुआ है। और आज नाश्ते में कुछ नहीं बनाया है, चाय है, चाय के साथ नमकीन बिस्किट पापे हैं। आज मैंने वैसा कुछ नहीं बनाया क्योंकि मुझे बनाने हैं कोफ्ते। तो जी, मैं खाने में कोफ्ते बनाऊंगी क्योंकि बच्चे घिया नहीं खाते हैं। तो जी, आज कोफ्ते बनाने पड़ेंगे। तो जी, पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर करती हूँ खाने की तैयारी। चाय नीचे भी चली गई है और मैं अपनी चाय ले आई हूँ। आज का नाश्ता ये है जी। चलिए जी, नाश्ता कर लेते हैं फिर खाने की तैयारी कर देंगे एकदम। चाय नाश्ता हो गया है जी और अब मुझे करनी है खाने की तैयारी। अभी काम ऐसे ही फैला हुआ है, अभी काम नहीं कराया मैंने क्योंकि बच्चे हैं घर में तो भूख भी लगती है। तो जी, खाना रेडी करके रख देती हूँ, बाद में काम कर लूँगी। पहले काम कर लेते हैं, खाना रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने लौकी ले ली है, मुझे बनाने हैं लौकी के कोफ्ते। तो जी चलिए, कोफ्ते बना लेते हैं। पहले किचन का सारा काम कर दिया है मैंने, खाना भी बना दिया है, कोफ्ते बन गए हैं और मैंने ढक भी दिया, दूध भी गर्म कर दिया है और आटा और रायता बना के मैंने फ्रिज में रख दिया है। तब खाना खाएंगे, तब रोटी बना दूंगी। ये दूध गर्म कर दिया है और आपको दिखाते हैं ये कोफ्ते, कोफ्ते में बना दिए हैं और आटा और रायता फ्रिज में रख दिया है। और आज मुझे जी पंखे साफ करने हैं, पंखे बहुत गंदे हो रहे हैं, आपको दिखाती हूँ मैं एक दफ़ा। ये देखिए जी, कितने गंदे हो रहे हैं पंखे। तो जी, मैं ही साफ करती हूँ पंखे अपने घर के अभी देखना कैसे साफ करूँगी मैं। और जी, ये दीवार भी है ना, ये दीवार भी गंदी हो रही है, दिख नहीं रही है लेकिन दीवार गंदी हो रही है। और ये पेंट अच्छे वाला पेंट है, इसे मैं कपड़े से साफ कर दूंगी, गीले कपड़े से साफ कर दूंगी, ये साफ हो जाएगा, फिर इतनी गंदी नहीं लगने की है। ये मैंने गीले कपड़े से साफ कर लिया दीवार और ये साफ हो गई है। ये जी, खाना बनाने के बाद मैंने पंखे साफ करे, पंखे साफ करने के बाद मैंने झाड़ू भी लगा दी है। और फिर बच्चे कहने लगे कि हमें पहले खाना दे दो बना के। तो जी, उन्हें कुछ बच्चों ने खाना खा लिया, कुछ रह रहे हैं, मगर जी खाना खा लो, इन्हें बोल रही हूँ बच्चों को मैं। और फिर मैं पोछा रह जाएगा मेरा, पोछा लगाना है मुझे। अब खाना खा लो फटाफट, लक्षिका को भी बोल दे। काम मेरा सारा हो गया है घर का, झाड़ू पोछा बर्तन, खाने के बाद भी किचन क्लीन कर दी है और देखिए जी सारा साफ सुथरा पड़ा है। और बस अब मेरा नहाना बचा है और कपड़े आज नहीं धोऊंगी, कल धोऊंगी कपड़े, क्योंकि कपड़े थोड़े ही हैं। और ये देखिए जी, खाने के बाद भी एकदम किचन क्लीन कर दी है, बस अब मेरा नहाना बचा है, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं नहा के सो गई थी, मैंने आराम करा, फिर बीच में कई काम होते हैं वो भी करने पड़ते हैं जी। और मैंने वीडियो का सोर्स डाला है, अपना एक सोर्स भी डाला है और सारी किचन फैली पड़ी है, ये देखिए जी। और दीदी आ रखी हैं, तो दीदी कह रही है कि भाभी कुछ हल्का सा खाना बना लो। तो मैंने पूछा क्या बनाना है, तो दीदी बोलने लगी कि मूंग दाल की खिचड़ी बना लो। तो जी, अब मैं मूंग दाल की खिचड़ी छोकूंगी और बच्चे भी खा लेते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं खाते हैं, खा लेते हैं बच्चे भी। तो जी,
मुझे अब मूंग दाल की खिचड़ी छोकनी है। दीदी जो चाट बनाई थी मैंने अभी, कैसी लगी आपको? अच्छी थी? मजा आया जी, चाट खा के बच्चों को मजा आ गया है। अभी मैंने एक सोर्स डाला था, आप देखना जाके सोर्स, और आप भी बना के एक दफ़ा ट्राई करना। तो जी अब मैं मूंग दाल की खिचड़ी बना देती हूँ। 12:15 हो गई हैं और मैं खिचड़ी बना के दुकान पे चली गई थी, और जी आके सबने खाना वाना खाया है। ये भी आ गए थे और इसकी बुआ जी वगैरह ने और बच्चों ने, सबने खाना खा लिया और मैंने किचन भी क्लीन कर दी है। 12:15 हो रहे हैं अब। तो जी मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। कल मिलेंगे आपको एक नए व्लॉग के साथ।